हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं कमल वर्मा, लखनऊ से। आपने हमारा थंबनेल देखा होगा कि 5 रुपये में ढोलक में मसाला लगाना सीखें, मात्र 5 रुपये में। अगर आपके पास ढोलक है, अगर उसमें मसाला छूट गया है या मसाला फैल गया है, तो आप उसको खोल करके अपने घर में अपने हाथों से मसाला लगा सकेंगे, ना कि आपको दुकान पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुकान पर जाएंगे, 100-150-200 रुपये आपसे ले लेगा। मैं आपको मात्र 5 रुपये में ढोलक में मसाला लगाना सिखाऊंगा। जी हाँ, इसके पहले हम 2 वीडियो और बना चुके हैं, जिसमें एक वीडियो में हमने सिखाया था 10 रुपये में मसाला लगाना सीखें, और एक वीडियो में बताया था 5 रुपये में मसाला लगाना सीखें। तो उसमें क्या हुआ कि इतनी लोगों में कन्फ्यूज़न हो गई, कई ऐसी कमेंटें आईं कि आपने मसाला किसी और ढोलक में लगाया और ढोलक दूसरी दिखा दी बजा करके। ऐसी कमेंटें आईं, मतलब कि मसाला किसी और में लगाया और ढोलक कोई दूसरी बजा कर सुना दी। ये बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न हो गई लोगों में, लेकिन ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। जिसमें मसाला हमने लगाना सिखाया वही ढोलक थी। ये है वो ढोलक जिसमें हमने मसाला लगाना आपको सिखाया था। देखिए, इसमें एक तरफ है बोल्ट, आपको दिख रहे होंगे, इसमें एक तरफ पेंच लगे हुए हैं और एक तरफ डोरी और छल्ला पड़े हुए हैं। जब इसमें हमने मसाला लगाना सिखाया था तो डोरी छल्ला सब निकाल दिया था, चाटी का पूरा भी निकाल दिया था और इसको भी खोल दिया था। तो जब ढोलक मसाला लग गया और जब डोरी छल्ला वगैरह हमने डाल दी, कंप्लीट जब बजाकर सुनाया, तो लोगों ने यही कहा कि ढोलक कोई और थी और बजा के कोई और सुनाया। यही दो ढोलक थी। देखिए, एक तरफ बोल्ट लगे हुए हैं, एक तरफ छल्ला और डोरी है। तो आइए, आज की इस वीडियो में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ये है वो ढोलक जिसमें हम मसाला लगाने जा रहे हैं। देख लीजिए इसका कलर कैसा है, दोनों तरफ इसमें पेंच लगे हुए हैं। बारीकी से आप लोग देखिएगा और चैनल पे बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिए, ये वो ढोलक है। सबसे पहले मैं आपको, देखो इसमें क्या हुआ है कि मसाला छूटा नहीं है, इसमें मसाला फैल गया है। मतलब इतनी गर्मी पड़ रही है कि गर्मी में मसाला पिघल करके ये पूरे में मसाला फैल चुका है, देख सकते हैं आप। ये देखिए है, तो अभी देखिए इसकी चाटी की आवाज़। और इसकी बेस की आवाज़ देखिए, मसाला फैल चुका है तो बेस अच्छा नहीं बोल रहा है, बिल्कुल बम बम की आवाज़ आ रही है। इसको उतार करके, इसको खोल करके इसमें हमें मसाला लगाना है। जो भी इसमें मसाला फैल चुका है उसको निकाल लेना है, साफ़ कर लेना है और फिर से नया मसाला लगाना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हमें खोलना है, चाबी लेनी है और इसको हमें खोलना है। ओ, थोड़ा सा एक मिनट रुक जाइए। ढोलक तो हमने खोल दी है लेकिन कोई निशान नहीं लगाया। जैसे अभी हमारी ये पूरी सेट हो चुकी है, जिस पेंच पे हमने कसा है दोबारा उसी पेंच पे लगनी चाहिए, इसीलिए कहीं पे हम एक निशान लगा देते हैं। ये देखिए, ये है मार्कर, मार्कर है, तो हम कहीं एक जगह पे निशान लगा देंगे। ये देखो, हम यहाँ इस बोल्ट पे निशान लगा देते हैं, ठीक है, ये लग गया। इसको उतार करके इसके सामने निशान लगा देते हैं, बस ये सही चढ़ जाएगा तो बाकी सारे बोल्ट अपनी अपनी जगह ले लेंगे, ठीक है। अब इसको उतारते हैं। ये देखिए, पूरा का पूरा मसाला फैल चुका है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि मसाला इसमें रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो सबसे पहले इसको हम साफ़ करेंगे। और देखिए, जब मसाला फैल जाता है तो ये देखिए, ढोलक के किनार में आप देखिए, ये सब मसाला इसमें चिपक गया है। तो पहले हम ढोलक का मसाला, कुछ नहीं, एक चम्मच ले लीजिए, चम्मच खाना खाने वाला। तो ये पहले ढोलक का मसाला जो है अंदर से हम साफ़ कर दें, जो छूट के इसमें चिपक गया है।
बहुत ही बारीकी से आपको मसाला लगाना हम सिखाएंगे। इसको साइड में रख देते हैं। ये देखिए, एक चम्मच लेना है, ये जो मसाला है चम्मच से इसको एक जगह कर लेंगे। मसाला क्या एकदम पूरी लपसी बन गई। ये देखो, ये मसाला क्या करेंगे हम, थोड़ा पास से दिखाएं आपको। एक पेपर लेंगे, उसमें हम इसको निकाल लेंगे बाहर। देख सकते हैं आप, हमने जो है सारा मसाला निकाल लिया है। अब एक कपड़ा लेना है, पुराना कपड़ा, इसको कपड़े से साफ़ कर लेना है एकदम बढ़िया। सो फ्रेंड्स, आप सभी देख सकते हैं एकदम हमने इसको साफ़ कर लिया है, ठीक है। और जब कभी मसाला लगाएंगे तो किसी फर्श पे लगाएंगे। देखिए एकदम साफ़ हो गया हमारा, सारा मसाला बाहर हो गया। ये देखिए, इसको हम एक पुड़िया बांध बना लेंगे। इसको क्या करना है, इसको फेंक देंगे। अब देखिए, ये है ढोलक का मसाला, मंगल दीप धूप बत्ती, 10 रुपये का पैकेट है। और थंबनेल में हमने क्या लिखा था, 5 रुपये में मसाला लगाना सीखें, ठीक है। तो ये मंगल दीप धूप बत्ती है, पता नहीं आपके यहाँ मिलती है कि नहीं मिलती है। ये हमारे यूपी में, लखनऊ में हर जगह मिलती है, यूपी में हर जगह मिलती है ये। और इसको हम ओपन कर रहे हैं, अनबॉक्सिंग करें इसको। माचिस भी मिली है आग लगाने के लिए। माचिस भी मिली इसके साथ में, माचिस का कोई काम नहीं इसमें, ठीक। इसको साइड में रखते हैं। इतनी धूप बत्ती निकली है, इसको भी ओपन करते हैं। 2 बंडल निकले हैं, एक तो ये और दूसरा ये, ठीक है। तो 10 रुपये के 2 हैं, तो 1 ले लेंगे हम, 1 रख देंगे पूजा करने के लिए। 10 रुपये के 2 हैं, 1 रख दिए, 1 कितने का पड़ गया, 5 रुपये का, ठीक है। बेवकूफ़ बनाने वाली बात नहीं है, 5 रुपये में हमने कहा था मसाला लगाना सीखें, तो 5 रुपये का इतना ले लिया, आधा ले लिया, तो 10 के आधे 5 नहीं हो गए, और आधा हम रख दे रहे हैं पूजा पाठ करने के लिए। अब इसको क्या करना है, इसको हाथों से, टाइट हाथों से खूब इसको गुझेलिएगा, इसको नरम कर दीजिएगा, जितना नरम हो सके उतना नरम करिएगा, ठीक है। ये अब इसमें क्या करेंगे, नरम हो गई, ये एकदम नरम हो गई, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, सरसों का तेल, जिसको हमारे यहाँ कड़ुआ तेल बोला जाता है, मात्र 2 बूंद जिंदगी के डालेंगे इस पे। ये देखो, ये ठीक है। अब इसको इसमें मिला लेंगे, तेल को मिलाया, ये अब और नरम हो गई। जितना इसको नरम करेंगे, जितना नरम करेंगे उतना ही मसाला अच्छा लगेगा। बस भाई, वीडियो को पूरा देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। पहले से सब्सक्राइबर हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। इसको एकदम गोल गोल बना लेंगे, लड्डू की तरह, खाना नहीं है इसको, लड्डू की तरह गोल गोल बन गया। देखो ये रहा लड्डू, इसको ऐसे दाब देंगे हाथ से, ऐसे हमारी रोटी की लोई बन गई ये।
थोड़ा सा और दाब देंगे, ठीक है। अब आइए नीचे देखिए, इसको एकदम बीचों बीच में रखना है फ्रेंड्स, ओके, बीचों बीच में एकदम। अब क्या करना है, ऊपर से दो बूंद डालेंगे पहले कड़वा तेल के, यानी कि सरसों का तेल। अंगूठे की सहायता से इसको फैलाएंगे, मसाला फटने लगता है, चिटकने लगता है, तो वहाँ हल्का सा तेल पहुँचा करके इसको हम फटने नहीं देना है, और अंगूठे की सहायता से इसको बढ़ाना है, मतलब पतला करना है, बढ़ाना है, ठीक है। थोड़ा सा और कड़वा तेल डालेंगे, दो बूंद जिंदगी के, अभी देखना बहुत बढ़िया ये ढोलक बजेगी। मान लीजिए आपके यहाँ ढोलक है, मसाला छूट गया है या फैल गया है, आप दुकान पर नहीं जा सकते या नहीं जा सकती, तो आराम से अपने घर बैठे इसको खोल करके मसाला लगा सकेंगे। कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान तरीका है, आराम से इसको अंगूठे से फैलाते रहेंगे हम, दाब मतलब नीचे को दाबना है और फैलाते रहना हमें इसको है, ठीक है। देखिए धूपबत्ती फटने लगी किनार से, ठीक है, तो इसको अंगूठे से ही थोड़ा तेल पहुँचा करके वहाँ हम फटने नहीं देना है, ऐसे दाब दे दाबे रहना है ये। फिर थोड़ा सा दो बूंद जिंदगी के डालेंगे और पूरे पूरे में इसको लगाएंगे, पूरा का पूरा बराबर होना चाहिए मसाला, कहीं पे ज़्यादा ना हो कम ना हो। अंगूठे से चारों तरफ इसको हम वो करेंगे, फैलाते रहेंगे, अब हम क्या करेंगे, कपड़े से हाथ को साफ कर लेंगे, पोंछ लेंगे, ठीक है। मसाला तो लग गया है, लेकिन क्या है ये देखो, गोलाकार नहीं है, अब इसको हमें थोड़ा सा अच्छा सा गोलाकार बनाना है। क्या करेंगे, देखो चम्मच लेना है, थोड़ा सा हाथों से किनार हमें काटनी है, एकदम गोलाकार करना है इसको, ठीक है। ये तो इसमें कोई कलाकारी नहीं है, ये तो अपने हाथ से इसको काट लेंगे और थोड़ा सा गोलाकार बन जाए ये, ज़्यादा नहीं काटेंगे, जहाँ से जितना मसाला हमें मिल सके काटने वाला उतने काटेंगे, गोलाकार बन जाए। ये देखो इतना मसाला निकला, और वही पुड़िया खोलेंगे पुराना मसाला वाले की, इसी को उसमें रख देंगे, ठीक है। देखो पहले से तो गोल हो गया, पहले से मसाला हमारा गोल हो गया है, ठीक है। अगर और भी गोल करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, चम्मच से अंदर की तरफ ऐसे 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 गोलाकार एकदम कर लेंगे। मसाला जितना कम दूरी में होगा उतना ही अच्छा, इसको अच्छा लगेगा मसाला, ठीक है। अब क्या करना है, अब लास्ट टाइम एक काम छोटा सा बचा है, बस दो बूंद बीचों बीच में डालिए, ठीक है, इसको बंद करके रख दीजिए, इसका कोई काम नहीं है। अंगूठे से उस तेल को लीजिए और जो ये मसाले के किनार है इसको थोड़ा टाइट हाथों से दबा देना है, ऑयल मतलब ये तेल लेकर के इसको किनार को दबा देना है। मसाला जब कभी उखड़ता है तो किनार से ही उखड़ता है, तो किनार हम दबा देंगे बढ़िया अच्छे से, अंगूठे से ताकत लगा करके हम
मसाले को दबाएंगे अंदर की तरफ, नीचे की तरफ मतलब, ताकि किनार जो है पकड़ ले। ये लग गया मसाला। ठीक है, लग चुका है। कपड़ा कहाँ गया? ये हाथ को पोंछ लेंगे इसी में। अब क्या करेंगे, कपड़े से किनारे किनारे इसको साफ़ कर लेंगे। जहाँ तक मसाला हमारा लगा था, हमने काटा था मसाले को, वहाँ तक इसे साफ़ कर लेंगे। तेल नहीं लगना चाहिए, मसाला जहाँ तक लगा है वहाँ तक पहुँचना चाहिए हमें, किनार तक। ढोलक का जो मसाला है इसके बॉर्डर तक हमें साफ़ कर लेना है। ये देखो लग गया मसाला, देख लीजिए, देखें कैसे छूटेगा। ये लो, कहीं छूटा मसाला? देखिएगा, लग गया मसाला। देखो बाहर से एकदम गोल गोल दिखाई दे रहा है, अच्छा भी लग रहा है, चिपक गया। कितनी ऊंचाई से इसको फेंक दे, मसाला नहीं छूटेगा। और मैं बता दूं, मसाला लगाने के बाद तुरंत ढोलक बजाओ, तुरंत बजाओ। आइए ढोलक पे लगाते हैं, देखते हैं पहले वो निशान कहाँ लगाया था हमने। ये लगा निशान, ये देखो लगा निशान है। और इसमें कहाँ निशान लगा है, ये देखो। अब उसके सामने ही इसको रखेंगे, ये आराम से आँख बंद करके इसको चढ़ा देने हैं। सारे चढ़ गए पेंच? एक पेंच को थोड़ा सा हाथ से नीचे दाबेंगे, चूड़ी को कस देंगे, फिर एक पेंच को हम छोड़ देंगे, तीसरा वाला हम टाइट करेंगे, फिर एक छोड़ के तीसरा टाइट करेंगे, मतलब अगला वाला छोड़ के, एक छोड़ देंगे फिर अगला वाला, फिर एक छोड़ के अगला वाला, फिर एक छोड़ के अगला वाला। ऐसे ही हमको अपने 9 बोल्ट कस लेने हैं। ठीक है, जितना ताकत से हाथ से पहले कस जाए बोल्ट उतना ही कस देना पहले। इसके पेंच जो है जितना हाथ के ताकत से कस जाए। अब क्या करेंगे, चाबी लेंगे ढोलक की, अब चाबी से कसेंगे। पहले तो हम एक और ये दो चूड़ी कस दिए, एक छोड़ दिए, फिर एक और दो, दो चूड़ी कस दिए, फिर एक बोल्ट को छोड़ दिए, एक ये दो, फिर एक छोड़ के एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, कस गए सारे बोल्ट। ये देखिए ज़्यादा टाइट हो गई है हमसे भी। दोस्तों ढोलक में मसाला एकदम हमारा फाइनली लग चुका है। अब आइए इसको बजाकर मैं आपको सुनाता हूँ, और आप देखिए मसाला अच्छा लगा है या नहीं लगा है। थोड़ा सा इसका साउंड सुनिएगा, होती है जब ढोलक में मसाला लग जाता है। अच्छा मसाला लगा होगा तभी ये आस आएगी, और मसाला अगर अच्छा नहीं लगा है तो इसमें आस नहीं आएगी। थोड़ा सा इसको बजाकर सुनाते हैं। बजाओ इसको, सुखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा मसाला लगाने का तरीका आपको बता दिया है, इसको लगा करके तुरंत आप इसको बजा सकते हैं। चाहे तेज बजाओ चाहे धीरे बजाओ, मसाला हटने वाला नहीं है, छूटने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
बहुत ही जल्द हमारा अगला वीडियो आने वाला है। आप लोग ढोलक सीखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।